अपने एक साथी महिला कमांडेंट के एनकाउंटर और पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ नक्सलियों ने आज बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों ने बंद की शुरुआत हिंसक तरीके से की है। बिहार के गया जिले के पास नक्सलियों ने 32 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इनमें से कई ट्रक और एक इनोवा गाड़ी भी शामिल है। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के आतंकवादियों के माध्यम से ही आतंकवादियों का सफाया किया जा सकता है वाले बयान पर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने कहा कि इस बयान से आतंकवाद में भारत के शामिल होने की आशंका की पुष्टि होती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में भारत की पूरी मदद करनी चाहिए क्योंकि वह खुद भी उसी दिक्कत से दोचार हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहां है। संयुक्त राष्ट्र सदस्य होने के नाते भारत पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम, जकीर रहमान, लखवी और हाफिज सईद की संपत्ति जब्त करने की मांग करेगा। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एके एंटोनी ने मोदी सरकार पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। एंटोनी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर चीन की गतिविधियां और उसके द्वारा किया जा रहा विनिर्माण कार्य चिंताजनक है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि देश में चुनाव से पहले आशा का माहौल था लेकिन अब निराशा का माहौल है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने हमारी सारी योजनाओं को नाम बदलकर शुरू किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली वालों को धोखा दिया है वो बहुत बड़ा धोखा है। मथुरा में दीनदयाल धाम में आज प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली होने वाली है। इस रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुरादाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। थाना कटघर के देवापुरा में बेटी को जन्म देने पर एक महिला की उसके ससुराल वालों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। एक मिस कॉल से कैसे लोग लव सेक्स और धोखे के जाल में फंस जाते हैं उसका ताजा उदाहरण गोरखपुर में देखने को मिला। एक महिला को मिस कॉल से पहले एक युवक से प्यार हुआ, फिर शादी की और बाद में लड़के ने उसे धोखा दे दिया। मुरादाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक संविदा कर्मचारी की जान ले ली। संविदा कर्मी अपने अधिकारी के कहने पर रात में बिजली की ठीक करने के लिए एक पोल पर चढ़ा था, तभी बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। दनकौर कोतवाली के बिलासपुर कस्बे में बाइक सवार दो बदमाशों ने मोबाइल दुकानदार को गोली मार दी जिसके उसके निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक सर्वे में सामने आया है कि लखनऊ में 8.5% पुरुष बेरोजगार हैं। पुरुषों की जो की बेरोजगारी में लखनऊ देश के प्रमुख शहरों में शुमार है। बुलंदशहर में दिल्ली कलकत्ता नेशनल हाईवे 91 पर एक पेट्रोल से भरे टैंकर को ट्रक ने टक्कर मार दी और जिसमें पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क किनारे पलट गया और उसमें से जगह जगह से पेट्रोल निकलने लगा। आसपास के लोगों को जैसे इसकी सूचना मिली लोग अपने घरों से बर्तन लेकर पेट्रोल लेने पहुंच गए। फरुखाबाद में अपने बच्चों की तलाश में माँ बाप यहाँ से वहाँ दौड़ कर थक चुके हैं। कई माँ बाप कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे के आने की जानकारी होने पर फतेहगढ़ स्टेडियम पहुंचे। जानकारी से पता लगा कि पिंजवी नगला में जबर सिंह यादव के फार्म पर कई बच्चों को कैद करके रखा गया है। गाजीपुर के जमानिया पुलिस ने दो दिन पहले हुए युवक की हत्या के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों महिलाएं रिश्ते में सास बहू हैं। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के जयनगर में एक सर्जिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गाजीपुर के जमानिया विधानसभा क्षेत्र के सेवराई को नई तहसील बनाने की घोषणा के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लखनऊ के आशियाना इलाके की बीकॉम की छात्रा ने अपनी मां की डांट से इतनी आहत हो गई कि वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक व्यवसायी को फोन करके 10 लाख मांगे, रकम ना देने पर पूरे परिवार को गोली से उड़ाने की धमकी दे डाली। बिल्डरों के कार्यों के विरोध में किसानों ने आंदोलन का मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेटर नोएडा के किसानों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके की गोविंद नगर में नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की हाशिए से काटकर मौत के घाट उतार दिया। भदोही रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण के दौरान 150 फीट का लोहे का गार्डर स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर गिर गया।
रायबरेली में एक ढाई महीने के मासूम बच्चे के पेट और शरीर के अंदर दर्जनों सुइयां देखी गई। मासूम का एक्सरे कराया गया तो शरीर के अंदर दर्जनों सुइयां देखकर सबके होश उड़ गए।